हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम निपटा के आ गई हूँ। तो मुझे कुछ कपड़ों की जैसे देख रही थी ना, पिछली बार जब मार्केट गई थी तो ढेर सारे कपड़े लेके आई थी कि मतलब कुछ कुछ बनाऊंगी, लेकिन एक कपड़ा मुझे ज़्यादा पसंद आ गया था। तो मैंने क्या किया ना, दूसरे दिन मार्केट, पहले तो मैं 2 मीटर लेके आई थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा 1 मीटर और ले लेते हैं। और एक मेरा फ्रॉक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो सेम उसी का नाप एक बार ट्राई करती हूँ, देखते हैं कि सेम टू सेम बन रहा है या नहीं। तो ये मैं कपड़े निकाल रही हूँ, तो इसका मैं 2 कपड़े ले गई थी कि दोनों का एक सेम नाप लेके आऊंगी, लेकिन वो मुझसे दूसरा वाला नहीं मिला, लेकिन इसका मिल गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी से बना लेती हूँ। तो ये वाला फ्रॉक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, काफी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ये वाला फ्रॉक पहनते हुए। तो चलिए सेम टू सेम इसी जैसा बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, बट कपड़ों में डिफरेंस होता है ना, तो ऐसा लग रहा अलग से बना है। तो ये कपड़ा जो है बहुत बढ़िया सॉफ्ट है, इसे गर्मी में बहुत ही आराम है पहनने में। तो मेरा देखो, जब भी मैं सिलाई करती हूँ तो हर वीडियो में मैं बता देती हूँ, देखो कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने ही कपड़े सिलती हूँ। जो अपना कपड़ा होता है ना, मैं हमेशा अपना कपड़ा खुद ही सिल के पहनती हूँ, चाहे वो सूट हो या फिर ब्लाउज हो, कोई भी कपड़ा हो, तो मैं सेम कपड़ा अपना खुद का सिल के पहनती हूँ। तो जैसे कि मेरी जो मुझे बहुत पसंद होती है कुर्तियाँ, मैं उसी को नाप लेती हूँ। और जब मैं जब भी नापती हूँ तो मैं इसे ऐसा मतलब नापती हूँ कि जैसे कोई बिगनर हो, पहली बार कटिंग कर रहा हो, तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को करती हूँ। वही वजह है कि मतलब मेरे पसंद के कपड़े बन जाते हैं सिलने के बाद, अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं घेर के लिए पहले कट करके निकाल लेती हूँ कपड़ा, क्योंकि जब हम नीचे चुन्नट लगाएंगे ना, तो उसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छे से हम चुन्नट लगाएंगे। तो वही मैं पहले घेर के लिए दोनों मेरे फ्रंट और बैक का दोनों का निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि घेर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम यहाँ पर कट कर लेंगे चोली। तो जब भी मैंने कहा ना कि अपने कपड़ों को अच्छे से नापती हूँ और एक एक निशान बिल्कुल क्लियर लगाती हूँ, ताकि जो है अपना कपड़ा है खराब ना हो, क्योंकि देखो कपड़े जब खराब हो जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, कि मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हम करें तो क्या करें और कैसे सिलें कैसे ना करें। कई बार ना मेरे कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन हम अब बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं, क्योंकि जब कपड़े खरीदने जाती हूँ ना, और जो पैसे खर्च होते हैं, भाई मैं तो बहुत कंजूस टाइप हूँ, तो बहुत ही बुरा लगता है। और ख़ासकर जब घर में बड़े होते हैं और उनका डांट पड़ जाता है, तब तो समझ लीजिए कि और ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई कपड़े तो वेस्ट हो गए, डांट भी पड़ गई, मतलब नुकसान दोनों तरफ से हो जाता है, डांट भी पड़ जाती है, कपड़े भी नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप सिलाई करो तो थोड़े से ध्यान से और अच्छे से, पहले मैं अपने पुराने कपड़ों को नापती हूँ। वैसे तो मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया है, नॉलेज हो गया है, नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं एक बिगनर की तरह ही ट्रीट करती हूँ अपने आप को, कि मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक एक निशान आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, जब भी निशान लगाती हूँ बिल्कुल अच्छे से लगाती हूँ। और मेरे पास से मतलब मैं साइज पट्टी भी नहीं मेरे पास है अभी इस समय, तो पहले था वो टूट गया था, बच्चे ने तोड़ दिया था, तब से मैंने खरीदा ही नहीं। और जब ये रहता है ना कि जब अपना ही सिलना है तो मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। तो देखिए ये चोली हमने कट कर लिया है, चोली की कटिंग जब 15 इंच पे हमने निशान लगा, तो 15 इंच पे निशान लगाने के बाद बस इसे कट कर लिया था, और बाजू भी साथ में ही कट कर लिया। और जब इसे फटाफट जब सिलती हूँ ना, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, धागा अच्छे से मैचिंग का होनी चाहिए। जब धागा मैचिंग रहता तो सिलाई थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, तब भी हमारा काम साफ दिखता है। तो धागा जरूर मैचिंग का ही लगाइएगा जब भी सिलाई करो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ का काम हो गया है, किचन में लग जाते हैं। और किचन में जैसा प्रक्रिया शाम में होता है, चाय बनाना और जोत बत्ती करना, शाम में भी चीज़ें वही होते हैं। और इस समय शाम को बज रहे हैं 5 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। पहले झाड़ू लगा दिया है, अब बना रही हूँ चाय यहाँ पे। और मेरा बेटा बोल रहा है कुछ हेल्दी सा बनाने के लिए, कुछ अच्छा सा। तो मैंने कहा अच्छा से पहले अम्मा को चाय दे देती हूँ, जोत बत्ती धुलूंगी और उसके बाद हम बनाएंगे बढ़िया सा तुम्हारे लिए नाश्ता। उसके पहले आम आया हुआ है तो आम भी धुलना है। बहुत सारे जो आम काम होते हैं जो है शाम में भी, जैसे सुबह में हमारे यहाँ ना सुबह में भी सेम प्रक्रिया पूजा पाठ का होता है, शाम में होता है। लेकिन ये होता है ना कि इसी से शाम में पूजा हम 20-25 मिनट में निपटा देते हैं और सुबह में घंटों लग जाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारे चीज़ें वही होते हैं। चाय बना के दे दिया है, किचन थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, इसके बाद धुलने की बारी है बर्तन। जब भी कुछ बनाओ तो बर्तन तो भंडार लग जाते हैं, तो बर्तन तो धुलना ही पड़ता है भाई, मेरे यहाँ कोई हेल्पर भी नहीं है, तो बर्तन तो मैं खुद ही धुलती हूँ।
और ज़्यादा थोड़ा बहुत अम्मा भी हेल्प बर्तन में कर देती हैं, बाकी काम तो मैं खुद ही करती हूँ। और आम ये आज जो आया है ना, ये बिल्कुल पेड़ से तोड़ के ही आम आया है। एक भैया हैं जो रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, तो उनके यहाँ बहुत ही बढ़िया आम आया हुआ था इस साल। और ये सारे आम जो है दशहरी हैं, तो इसे मैंने कहा चलो अच्छा धुल के रख देते हैं। बिना केमिकल का है, बिल्कुल डाल के, मतलब पका हुआ आम है। इसके बाद आम धुल के रख दिया है। जब भी आम लाओ मार्केट से, आधा घंटा पानी में ज़रूर भिगाना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे लग गई हूँ, बालों में लगाना है मेहंदी। तो थोड़ा सा कलौंजी और मेथी दाना पहले से भिगा के रखा था, तो मैंने कहा चलो अच्छा साथ साथ इसे भी पीस के रख देती हूँ कि सुबह लगाना है हमें मेहंदी। तो मेहंदी लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस इसे भिगा दो और सुबह लगा लो। और मेहंदी लगाने के बाद, जब मेहंदी हम धुल लेते हैं, मेहंदी वाला बाल, उसके बाद लगा लेती हूँ इंडिगो पाउडर, जो बहुत ही अच्छा है बालों को काला करने में। बहुत ही नेचुरल कलर आता है इससे और काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत ही परेशान रहती थी मेहंदी लगा लगा के, केमिकल वाली मेहंदी लगा रही थी। गर्मियों में बहुत ज़्यादा खुजली भी बालों में होते थे, लेकिन 2-3 महीने से मेरी बेटी जब आई थी होली पे, तभी वो मुझे इंडिगो पाउडर दे के गई है, तब से मुझे बहुत ही आराम मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बना लेते हैं पैन केक बनाएंगे। तो आधे कप का सारी चीज़ों का नाप है, आधा कप गेहूँ का आटा लिया, साथ में लेंगे आधा कप मैदा, आधा कप पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और यहाँ पर 1/3 कप लेना है मिल्क पाउडर। इसे बहुत अच्छा, बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर पैनकेक में आता है। तो चलिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ड्राई चीज़ों को। तो जब ड्राई चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो गर्म है ना ठंडा है, फ्रिज का दूध नहीं है, ये बाहर ही रखा था। तो ना ये ठंडा है ना तो गर्म है, नेचुरल बिल्कुल, मतलब नॉर्मल दूध है। इसे अच्छा सा बैटर बना के रेडी करेंगे। तो आधा कप ही दूध हमने लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, तो इसका बैटर बना लेते हैं। पैनकेक ये वाला बहुत ही झटपट बन जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस डाल रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन दोनों चीज़ों में से कुछ जरूर ऐड करना पड़ेगा, वरना आटे का मतलब टेस्ट आता है हल्का सा। तो देखिए यहाँ पे आधे कप पूरे दूध यहाँ पे लग चुके हैं इसमें, तो आप देख सकते हो बिल्कुल गाढ़ा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे पैन में लगा देंगे, थोड़ी सी वाइल लगाएंगे और इसे पोंछ देंगे। वैसे तो पैनकेक बनाने में जो है नॉनस्टिक में बना रहे हो तो बिल्कुल भी वाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये मेरी बहुत पुरानी हो गई नॉनस्टिक, इसलिए मुझे लगाना पड़ रहा है। थोड़ा सा वाइल लगा के इसे हमने पोंछ दिया है। आप इस तरह से कप से ही लगाई डालिएगा, ताकि एक तरह के सारे पैनकेक बन के तैयार हो, जिसे एक साइज के। तो इस तरह से उठाइए और डाल दीजिए पैन में, और इसे 2 मिनट के से कम ही में हो जाएगा, बिल्कुल 2 मिनट का सारा चीज़। आप घड़ी देख के इसे बनाइए, ढक के छोड़ दीजिए 2 मिनट और इसकी पलटी कर दीजिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा कलर भी आया है जब हमने इसको पलटी करी। पलटी करने के बाद कुछ सेकंड तक ही हमें पकाना होता है, ज़्यादा देर नहीं लगते हैं इसे पकने में। तो बस सेम टू सेम प्रक्रिया वही करना है। वापस से हमने दूसरा केक भी डाल दिया है यहाँ पे। अब देखिए, मतलब एक चीज़ होता है ना कि जब हम कुछ बनाते हैं तो लंबा समय जाता है, बट इसमें तो बहुत ही झटपट बनने वाला ये पैनकेक है। इसे जब चाहो आप बना के बच्चों को खिला सकते हो, बहुत ही आराम से ये तो बन जाता है। पैनकेक हमने बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा आप लगा लो चॉकलेट सिरप, कुछ भी इस तरह है, आप चाहो तो इसमें व्हिप क्रीम भी लगा सकते हो, कोई भी व्हिप क्रीम आपके पास है वो भी लगा लो, और या फिर कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हो, जिसे बनाना है, और कोई भी मतलब जो आपको पसंद हो उस तरह से आप इसमें अंदर लगा के और इसके कटिंग कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी, और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। और इसे आप बच्चों को टिफ़न में भी दे सकते हो, जैसे स्कूल खुलने वाला है ना, तो आप इसे बच्चों के टिफ़न में भी दे सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता या फिर कहो बच्चों का लंच बॉक्स बन के तैयार है, और डोरा केक के नाम से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसे बहुत मतलब आसान तरीके से आप इसे, और हाँ, इसका घोल वगैरह अगर रात को बना के रखते हो ना, तो ये रात को बना के रख लो, सुबह बच्चों को बना के टिफ़न में दे सकते हो। बस खाली इसमें बेकिंग पाउडर सुबह में डालिएगा। तो अब फ्रेंड्स सारी चीज़ों करके आ गई हूँ, अब रात को बज रहे हैं 8:30, मतलब खाना वाना भी सबको खिला दिया। तो मैंने कहा चलो अच्छा सिलाई वाला जो काम है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8:30 बजे मैं सारा काम निपटा के आ गई थी। उसके बाद हस्बैंड का ड्यूटी रहता है ना, तो वो आएंगे 10 बजे, तब तक यहाँ पे मेरा जो काम छूटा हुआ था ये रेडी हो जाएगा। तो गले पे मैं ना क्या करती हूँ, ये जो बकरम आता है ना चिपकाने वाला होता है, वो क्या बोलते हैं उसको,
पेस्टिंग पेपर वो सही रहता है। जब भी कोई डिजाइन गले पे बनाना हो या गोल गला बनाना, कोई भी गला उससे पेस्टिंग पेपर से बना लो ना, तो बहुत ही बढ़िया बैठता है। जब भी आप कुछ भी बनाओ, मैं बहुत सारी चीज़ों का मैं जो पेस्टिंग पेपर इस्तेमाल करती हूँ। एक होता है ना, दो तरह के पेस्टिंग पेपर आते हैं, एक मोटे आते हैं एक पतले आते हैं। तो मोटे वाले जो होते हैं ना, वो बैग वगैरह बनाने में बहुत हेल्पदायक है। तैयार हो गई है उसे और हम एक बहुत ही कपड़े में चिपका खूबसूरत देते लग हैं रही और है। दूसरे में भी देखिए बहुत बढ़िया से। इस तरह से कुछ है। और मैं इसको थोड़ा सा ना, ये मैं जो ये पोटली वाला लेस होता है वो थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा इसका प्रिंट जो आ रहा था तो मैंने चलो थोड़ी सी लगाई है। बट लगाने के बाद मुझे उतना नहीं अच्छा लग रहा, तो मन करेगा ना तो मैं बाद में इसे निकाल भी सकती हूँ। और जो हल्की सी ये पतली वाली जो लेस लगाई ये मुझे अच्छी लग रही थी, और थोड़ा सा ना आगे से थोड़ा सा डिजाइन बना होता तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो बिल्कुल एकदम जैसे रेडीमेड होता है उस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छा बने, मतलब अच्छा तो बनता है बट वीडियो में कैसा जाता है वो मुझे नहीं आइडिया। आप लोग देखते हो तो आपको आइडिया लग जाता होगा कि मैं अच्छे से करूँ या नहीं कर रही हूँ। तो कहीं तो कुर्ती में एक अच्छा लुक भी आया है और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल उसी तरह से ये बन के तैयार हुए हैं। तो जब कपड़ों में, जैसे मैंने कहा, कपड़ों में डिफरेंस है, वो कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ये कपड़ा थोड़ा सा टाइट है, लेकिन जब इसे धुलेंगे ना तो सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो अभी हम इसको आपको डाल के दिखा देते हैं कि कितना, मतलब देखने में बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा आगे का जो डिजाइन है वो मैंने डिफरेंस कर दिया है, क्योंकि मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने इस तरह से बना दिया था। हल्का सा डिजाइन सेम कलर का बनाया है, मतलब दूसरा कलर मैंने नहीं करा। बाजू को थोड़ा सा मैंने इस तरह से डिजाइन में थोड़ा सा तिरछे में बना दिया है, और गर्मियों में जो है ना थोड़ा सा ढीला ही अच्छा लगता है। और आगे मैंने ये जो पोटली वाला जो लेस होता है वो लगा दी हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा लग रहा है देखने में, और गला भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, बिल्कुल गोल, तो जैसा मैंने चाहा था वैसे बना है। अब कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है ये कुर्ती। और हाँ, आज के वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर।